नमस्कार, आपका स्वागत है जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। उद्धम सिंह नगर एसओजी और एडीटीएफ की टीम ने किच्चा बाईपास पर एफसीआई गोदाम के पास से चार आरोपियों को एक लग्जरी कार में एक कुंटल गांजे की सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी गांजे की खेप उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और रुद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में गांजा सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम दीपक निवासी ट्रांजिट कैंप, तारक निवासी दिनेशपुर, राकेश कुमार निवासी ट्रांजिट कैंप और राकेश मंडल निवासी शक्ति फार्म बताया है। पकड़ी गई गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप और दिनेशपुर थाने में शराब तस्करी करने के मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपियों से एक कुंटल गांजा, 4 मोबाइल और 6,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं और आरोपियों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एक कुंटल गांजा पकड़ने वाली टीम को एसएसपी द्वारा 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। मेन रोड पर हमारी टीम एडीटीएफ और एसओजी की टीम वाहनों की चेकिंग कर मतलब चेकिंग के दौरान उन्होंने एक एक्सयूवी दिल्ली नंबर की गाड़ी थी उसको इंटरसेप्ट किया। उसमें 4 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। गाड़ी का चेकिंग किया, चेकिंग करने पर इसमें अलग अलग 3 प्लास्टिक के जो कट्टे हैं उसमें 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अनेक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।